आरी उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज इस घड़ी का जो पार्ट नंबर फोर्थ का है, इस फोर्थ के अंदर पूरा कंसेप्ट, पूरा बेसिक कैसे भी हो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें से क्वेश्चन करने वाले, अपने घर से कोई चोर है, चोरी करके भग रहा है और उसको पुलिस के पीछा किया, पुलिस ने उसका पीछा किया तो चोरों कितनी बजे कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। और बात करें अपने पास, जैसे बात अब रेलवे स्टेशन में जा रहे, 10 मिनट पहले चले गए रेलवे स्टेशन से, ट्रेन है वो 10 मिनट बाद में आ रही है, पहले वाली ट्रेन कब चलेगी, तो अपन कितने बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन आने वाली कब थी, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, लिखो कि मनीष क्वेश्चन देखो। मनीष अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला, रोज निकलता उससे क्या निकला, इसने 15 मिनट पहले निकला, पहुंचने में उसको 10 मिनट के समय लगता है, यानी घर से, ये अपने पास मनीष है, मनीष का क्या है, घर है, घर से बस स्टॉप जाने में कितना समय लगता है, उसको 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। 8:40 बस स्टॉप पहुंचा, 8:40 बस स्टॉप पहुंचा, इसका मतलब 8:40 स्टॉप, बस स्टॉप पर पहुंचा, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, 10 मिनट का लगता है, तो इसका मतलब घर से कितने बजे निकलता है, 8:30 में निकलता है, 8:30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8:40। बाद में क्या कहा, हाँ वह सामान्य कितनी बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है, नहीं आज वो कितने बजे निकला भाई, आज वह 8:30 में निकला, तो रोज रोज कितने बजे निकलता है, आज वो 15 मिनट पहले निकला ने, रोज वो आज निकला, वो 8:30 पर घर पर पहुंचा, लेकिन रोज की तुलना में आज क्या कर रहा है, इसने 15 मिनट पहले निकला, इसका मतलब 8:30 है उसमें 15 मिनट और ऐड करेंगे, यथार्थ कितने हो जाएंगे, 8:45 क्यों हो जाएंगे भाई, आज वो निकला 8:30 पर, लेकिन वो क्या निकला था, 15 मिनट पहले निकल गया था, तो रोज पहुंचता है तो 8:30 पर आज निकला है, तो 15 मिनट पहले निकला तो जोड़ेंगे तो कितना, 8:45 पर। अरे ये पूछ लेता वो बस स्टॉप पर कब पहुँचता है, रोज, तो 10 मिनट और ऐड करते तो 8:00 रोज पहुँचता है, रोज पहुंचता है, ये क्वेश्चन पूछता तो अपने पास 8:45 पर तो घर से निकलता है और 10 मिनट लगती है, इसका मतलब 8:55 आंसर आता, वो क्वेश्चन पूछता तब। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजू ने एक साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 से 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया, ये राजू है, कौन है राजू, ये राजू क्या करता है, सभा कक्ष में जो अपना पास कक्ष था, ऑफिस था, उस ऑफिस में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो राजू कितने बजे पहुंचा भाई, 12:30 पर नहीं पहुंचता है, कितने 10 मिनट पहले, यथार्थ राजू कितने बजे पहुंचा, 12:20 पर कौन पहुंचा, राजू, क्योंकि 10 मिनट क्या था, ये पहले 10 मिनट पहले था। राजू ने साक्षात देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब 12:20 पर पहुंच गया था राजू, प्रवेश किया, वे प्रबंध निर्देश से 20 मिनट पहले आए थे, तो प्रबंधक है कौन है, प्रबंधक उसे 20 मिनट पहले आए थे, वे प्रबंधक निर्देशन से यहाँ प्रवेश किया, वे प्रबंधक निर्देशन से 20 मिनट पहले आए, जो कि 20 मिनट पहले आए, इसका मतलब 20 मिनट पहले आया, प्रबंधक कितना आता है भाई, कितना था, 20 मिनट लेट आया इसे, तो 12:40 पर आया, क्योंकि राजू पहुंचा 12:20 पर, प्रबंधक से कहते आयो 20 मिनट पहले, इको मतलब प्रबंधक कहता है 12:40 पर आवे, यानी 20 मिनट पहले वो आगो, यहाँ तक हो गई, जो कि 30 मिनट लेट था, इसका मतलब प्रबंधक कितना आता है, 12:40 पर आया आज, लेकिन वो 30 मिनट लेट था, इसका मतलब इंटरव्यू तो निर्धारित समय था, किसका, साक्षात्कार का, निर्धारित समय था 12:40, तो ये प्रबंधक आया, लेकिन आया तब वो क्या था, 30 मिनट लेट था, इसको मतलब 30 मिनट पहले बात इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था, तो 12:40 में से 30 मिनट गई, इसका मतलब 12:10 पे क्या था, इंटरव्यू था,
समझ गए। वापस क्वेश्चन वापस रिवाइज करते हैं। राजू ने साक्षात्कार देने के लिए 12:30 बजे यानी 12:30 मिनट से 10 मिनट पहले पहुंचा राजू के जब उगो बटे आगलो 12:20 मिनट पर उगो राजू 10 मिनट पहले का चक्रम वे निर्मया वे प्रबंध निदेश से 20 मिनट पहले थे 12:20 मिनट पुग्यो हो बी टाइम का भी गई हो वो प्रबंध निदेश से 20 मिनट पहले हो ये को मतलब प्रबंध निदेशक तो वह 12:40 मिनट पर उसी समझ में आएगी। बाद में कि प्रबंध निदेश 30 मिनट लेट था 30 मिनट लेट था इसका मतलब 30 मिनट लेट हो तो इंटरव्यू तो कहती स्टार्ट हो गो 12:30 मिनट कम ये दोनों को 30 मिनट क्या है कम तो 12:40 में 30 मिनट कम करा तो 12:10 पर यानी कि इंटरव्यू तो भी स्टार्ट हो 12:10 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो अगले क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन अपने डिस्ट्रिक्ट का है अपने डिस्ट्रिक्ट का सीकर से जयपुर के लिए हर 40 मिनट पर एक बस चलती है क्या कहा इसने सीकर से जयपुर के लिए हर 40 मिनट पर बस चलती है। पूछताछ ऑफिस ने बताया जो पूछताछ केबिन होता नहीं होता है केबिन में बताया पूछताछ ऑफिस ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकली है जो जैसे कोई कैंडिडेट होता है वो कैंडिडेट ऑफिस के केबिन बना होता है उस केबिन के पास में जाके बोलता है कि सर कौन सी बस कितनी बजे निकली केबिन होता है नहीं होता है उसके में पूछताछ की बस में 10 मिनट पहले निकली उस केबिन वाले ने क्या कहा कि 10 मिनट पहली बस गई है दूसरी बस सुबह 8:45 पर निकलेगी ये पूछताछ पूछा ऑफिसर ने यात्री को सूचना कब दी यानी दूसरी जो बस है वो कितने बजे निकली भाई 10:45 पर दूसरी बस 10:45 में निकली हर बस का जो अंतराल है पहली बस से हर बस का जो अंतराल है वो कितना है 40 मिनट का है दूसरी बस 10:45 में निकली हर बस का जो अंतराल है वो कितना है 40 मिनट का इसका मतलब 10:05 40 घटाऊंगा मैं पहली बस का तो समय अंतराल दूसरी बस में समय अंतराल में 40 का मतलब 5 घटाऊंगा चले आगे फिर क्या कहा अब इस टाइम तो दूसरी बस निकली है पहली बस निकल गई थी नहीं फिर इसने क्या कहा उस टाइम अपन गए वो कैंडिडेट गया था ऑफिस ने बताया कि बस 10 मिनट पहले निकली है तो इसका मतलब जो वो कैंडिडेट गया था यानी जैसे मतलब मानव गया था जो आदमी गया था ऑफिसर के पास में उस टाइम क्या था जो बस निकल गई थी कितने बजे 10:05 पर बस निकल गई थी यह कैंडिडेट गया था उसके पास तब बस जा चुकी थी 10 मिनट हो गए थे इसका मतलब 10 ऐड कर दूंगा तो अपने पास 10:15 पर यह सूचना दी कि 10:15 बस गई तो 10 मिनट लेट हो गए नहीं हो गए वो कैंडिडेट इसका मतलब 10:15 पर क्या हो गई थी पहली बस यानी वो 10:05 पर तो चली गई थी और वह ऑफिस ने जो वो सूचना यानी मानो उन्होंने सूचना प्राप्त की 10:45 पर। चलिए क्वेश्चन क्या की ये क्वेश्चन देखो एक बस पड़ाव में निम्नलिखित सूचना प्रसारित बस का पड़ाव होता नहीं होता है उसमें सूचना दी जा रही थी तो नागौर ये क्वेश्चन देखो आप एक बस पड़ाव में निम्न सूचना प्रसारित की जा रही थी नागौर के लिए 15 मिनट पहले बस एक बस स्टॉप खुल चुकी थी नागौर की जो बस जाने वाली थी वो 15 मिनट पहले ही खुल चुकी थी प्रत्येक 45 मिनट के बाद नागौर के लिए बस है अगली बस 8:30 पे आ रही है यानी दूसरी बस है वह 8:30 पर आ रही है इसका मतलब इन दोनों पहली बस थी उनके बीच में कितना डिफरेंट है भाई 45 मिनट का डिफरेंट है इसका मतलब 8:30 में से 45 घटाएंगे तो 7:45 आएगी 15:45 का डिफरेंट आ गया आधी 30 मिनट ये चलेगी 15 मिनट ये चलेगी इसका मतलब पहली बस कितने बजे जा रही है पहली बस जा रही है 7:45 हो गया यहाँ तक फिर ये क्या कहा यहाँ पर 15 मिनट पहले बस खुली इसका मतलब 15 मिनट पहली बस जानी कितनी थी
पहली बस जाने कितनी देर बची थी, 7:45 पर, लेकिन इसने छूट दे दी, क्या दे दी, नागौर के लिए जो बस है वो 15 मिनट पहले जाएगी। इसका मतलब 7:45 है, इसमें 15 एड हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 7 हो जाएगा। तो यहाँ से दौड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 7, इसका मतलब कितना बच गया भाई 8 बजे। कितने बजे नागौर, जब दूसरी बस थी जानकारी मिली हुआ कितने बजे थी, 8 बजे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन देखो आप, एक बस पड़ाव में प्रत्येक 40 मिनट में मुंबई के लिए, मुंबई के लिए, यहाँ पे मुंबई के लिए, मुंबई के लिए बस रवाना होती है। एक बस पड़ाव था, उसमें हर 40 मिनट पर, यानी कहने का मतलब यहाँ से पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन है या पहली कंडीशन है, हर 40 मिनट पर बस मुंबई के लिए चलती है, रवाना होती है। पूछताछ ने बताया कि यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई, यानी तो पूछताछ यात्री था, यहाँ पर जो यात्री आया था उसने बताया कि, यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले बस गई है और अगली बस 9:45 में मुंबई के लिए आएगी, यानी यहाँ पर जो दूसरी बस आएगी, दूसरी बस है, सेकंड जो बस है वो आएगी 9:45 पर आएगी, दूसरी बस 9:45 पर। इसका मतलब पहली बस कब आ जा रही है भाई, पहली बस और दूसरी बस में अंतर कितना है 40 मिनट का, इसका मतलब 9:05 पर पहली बस ही गई, पहली बस 9:05 पर गई, दूसरी बस गई थी 9:45 पर, दोनों का जो डिफरेंट है वो अपने पास 40 मिनट आ गया है। फिर क्या कहा इसने, एक यात्री ने कहा कि 10 मिनट पहले, यात्री को कहा कि 10 मिनट पहले बस चलेगी, इसका मतलब 10 मिनट पहले बस चलेगी, तो पूछताछ यात्री ने कब सूचना दी, इसका मतलब वो लेट हो गया था, लेट हो गया यात्री, कब 9:05 पर बस चलेगी, तो 10 मिनट लेट, इसका मतलब 10 एड कर देंगे, इसका मतलब 9:15 पर सूचना दी, यानी यात्री ने सूचना कब ली, 9:15 पर सूचना दी। तो प्यारे दोस्तों ये एक आपका गिफ्ट है, इस गिफ्ट को आप सुरक्षित मत रखना, इस गिफ्ट को खोल के देखना इस गिफ्ट में क्या दिया सर ने। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में, सीकर से खाटू श्याम जी, कहाँ लिखा है, सीकर से खाटू श्याम, खाटू श्याम बाबा का है ना। अभी देख जैसे मान लो ये मौसम भी आ रहा है, मेले में जाना, मेले में जाके वहाँ के अच्छे तरह देख के आना, कई लोग तो क्या होते हैं उनको मैं देख के आना, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आना, आपको समझ गए इस चीज़ को। सीकर से खाटू श्याम के लिए हर 20 मिनट पर बस चलती है, सीकर जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से हर 20 मिनट पर बस चलती है, इन बस जाती है। राजू ने स्टैंड पर जाने में 15 मिनट लेट हो गया, राजू था वो स्टैंड पर जाने से 15 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया, इसका मतलब पहली बस से निकल गई, लेट हो गया, लेकिन दूसरी बस 9:20 पर आ रही है, आई तो पहली बस कब गई, तो राजू उस स्टैंड पर पहली बस कब गई है, किसी ने आपको जरूर करना है। तो ध्यान रखना अपने पास इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, समय से पहले जाना।